Click to subscribe to the channel and then press the bell icon to get regular updates of videos, live sessions, and important seminars. Good morning. Diablo ने test. How did you find the test? टफ था, मुश्किल था, आसान था, बहुत आसान था? हाँ ठीक है, अभी क्लास शुरू नहीं कर रहा सभी। तो हाउ मेनी क्वेश्चन वर यू एबल टू अटेम्प्ट, जितने लोग यहाँ पे हैं? हाँ 82, ठीक है। बाकी लोग 80, किसी ने 90 के ऊपर अटेम्प्ट किए? कितने? 92, सो दैट इज अ गुड नंबर। 80 से ऊपर सारे नंबर अच्छे हैं। किसी के ऐसा हो रहा था कि भाई दे वर नॉट एबल टू अटेम्प्ट इवन 70 क्वेश्चन या 75, इस टाइप से। तो अगर आपके अटेम्प्ट कम हो रहा है, इफ यू आर मतलब इन सच अ सिचुएशन, है ना, आई विश दैट यू आर नेवर इन सच अ सिचुएशन, बट इफ यू आर इन सच अ सिचुएशन कि आपके सिर्फ 70 ही बन रहे हैं अटेम्प्ट करने के बाद, तो देन यू गो थ्रू द पेपर वंस अगेन, यू आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस व्हिच कैन बी मार्क्ड, है ना, which in which you have at least some knowledge and which in which you are able to eliminate at least one option, and then you try to increase your attempts. Because I always say that more than 80 is good enough, more than 90 is desirable. अगर आप लोग इस type से जा रहे हैं, but it all depends on what is the difficulty level of the paper. अगर paper बहुत difficult आ गया, जैसे पिछली बार का paper difficult था थोड़ा सा, on the tougher side था, तो attempt आपके थोड़े कम हो जाएंगे. But always try to attempt as many as possible. उससे आपके, अगर आप देखोगे तो यू विल रियलाइज कि देयर इज ऑलवेज नेट पॉजिटिव। अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट करते हो तो थोड़े बहुत गलत भी होते हैं, बट थोड़े बहुत सही भी होते हैं। तो हर तीन के लिए, फॉर एवरी 3 क्वेश्चंस 1 क्वेश्चन इज करेक्ट, फॉर एवरी 3 रॉन्ग क्वेश्चन 1 क्वेश्चन इज करेक्ट, देन आप नेट 0 होते हो। तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू अटेम्प्ट मोर। वी विल स्टार्ट विद द एनवायरमेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट एनवायरमेंट क्वेश्चन, आई विल टेक द एनवायरमेंट एंड द ज्योग्राफी सेक्शन, ठीक? उसके बाद अदर फैकल्टीज विल टेक अदर सेक्शंस। सीपीसीबी के ऊपर क्वेश्चन आया। दिस क्वेश्चन इज अबाउट द सीपीसीबी and it is asking which of the following is correct. So it is a statutory organization. Kaun sa act ke under bana tha CPCB? Water Act ke under, but it has been given power under the Air and the Environment Act also. The executive body, National Air Quality Monitoring Program, it is a program which is created by the CPCB and it is the executing body itself. And it also advises the central government on any matter concerning prevention and control of water pollution, because Water Act ke under bana hi tha wo. So water pollution, air pollution, environment, ये सब सीपीसीबी देखता है। तो सीपीसीबी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बॉडी कि उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। फर्स्ट इट इज क्रिएटेड अंडर द वाटर एक्ट, फिर इट हैज बीन गिवन पावर्स अंडर द एयर एंड द एनवायरमेंट एक्ट आल्सो, एंड इट कोऑर्डिनेट्स विद द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। एवरी स्टेट में एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, उसके साथ द सीपीसीबी कोऑर्डिनेट्स एंड प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड टू द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स आल्सो, ठीक है? तो जितने भी आप अगर देखते हैं कि दी इनिशिएटिव्स व्हिच आर टेकन इन दिस फील्ड ऑफ एनवायरमेंट, जैसे भारत स्टेज 6 नॉर्म्स आए, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आया, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान आया, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स आए, या फिर इको सिटी प्रोग्राम, ऑल दीज प्रोग्राम्स जो है वो कहीं ना कहीं सीपीसीबी के ही इनिशिएटिव थे। तो सीपीसीबी हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस फील्ड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो एक बार आप अगर सीपीसीबी की वेबसाइट पे जाइएगा एंड यू चेक ऑल दी प्रोग्राम दैट इज अंडर दी एम्बिट ऑफ दी सीपीसीबी, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम इसके अंदर है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंदर देयर आर डिफरेंट एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस अक्रॉस दी कंट्री, ठीक है? तो 29 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज के अंदर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस आर प्लेस्ड, ठीक। एक सीपीसीबी का प्रोग्राम मेरे को इंटरेस्टिंग लगा तो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट पोल्यूशन इंडेक्स, सेपी, ठीक है? तो दिस इज अ इंडेक्स क्रिएटेड बाय द सीपीसीबी and it monitors the pollution in industrial areas. तो ये industrial areas के लिए specific index बनाया है इन्होंने, ठीक है? तो data is collected through CPCB. तो ये एक important program है, ये directly question आ सकता है कि सेपी किसका initiative है, ठीक? जो सीपीसीबी का है, एक और सेपी है, दो सेपी है। ये तो सीपीसीबी वाला है फॉर दी टू मेजर द पॉल्यूशन इन इंडस्ट्रियल एरियाज, ठीक है। देयर इज वन मोर सेपी, वो किसका है कुछ आइडिया आपको? अभी न्यूज में भी था, वो एपिडेमिक्स प्रिवेंशन के लिए कुछ था, कुछ याद आ रहा है कहीं से? कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, ठीक। तो दिस वाज लॉन्च्ड एट द WEF फोरम एट डेवोस एंड इट इज फंडेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वेलकम ट्रस्ट, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, WEF एंड इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन मोर सेपी। तो ये एपिडेमिक्स के लिए है, वो एनवायरमेंट वाला था, ठीक है। ये WEF वाला है, वो CPCB वाला था। तो इसका एम है कि टू डेवलप दी वैक्सीन अगेंस्ट दीज इमर्जिंग डिजीजेस। तो तीन डिजीज हैं, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, लासा फीवर और निपा वायरस, इन तीनों के अगेंस्ट वैक्सीन बनानी है। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू क्रिएट वैक्सीन फॉर दीज थ्री डिजीजेस। दीज थ्री आर दी इमर्जिंग डिजीजेस, तो उनके अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के लिए दिस इज द प्रोग्राम दैट इज लॉन्च बाय द WEF, ठीक है। उसके अलावा वो प्लान करेगा कि इफ इन केस देयर इज अ कंटेजियन, देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस, तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये दो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएससी 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल ही, एनजीटी और सीपीसीबी के बीच में डिफरेंस पूछ लिया था उन्होंने, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज इनकरेक्ट, एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट वेयर सीपीसीबी इज क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज सीपीसीबी इज क्रिएटेड अंडर द वाटर एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने सुना है ये प्रोग्राम, Transforming Indian Agriculture for Global Environment Benefits, ठीक है। So this is a program by the GEF and the FAO. तो इसमें B वाला correct है। So the purpose of this program is to transform Indian agriculture so that it is able to manage both the needs. That is the need of the food security of the Indian population and the need of to reduce the environmental impacts of agriculture. तो इनको agriculture को बढ़ाना है, but at the same time they want कि agriculture should be sustainable, ठीक। तो this is the name of the program, पूरा नाम यही है, Transforming Indian Agriculture for Global Environment Benefits and Conservation of Critical Biodiversity in Forest Landscapes, and it is launched by the collaboration of FAO and 5 states में this will be launched in 5 states. 5 states में कुछ areas में this program will be launched. तो 5 states are these: Madhya Pradesh, Mizoram, Odisha, Rajasthan and Uttarakhand. Basically these are the focus areas, and agriculture in these areas will be improved so that it is in line with the environmental aims of the world. ठीक है। तो GEF भी एक ऐसी important body है। तो GEF के ये this is a program by the GEF. GEF का एक और question आपके paper में है। तो Global Environment Facility, it is a very important body and it was formed way back 1972-73 के आसपास इसकी formation हुई थी. And World Bank serves as the trustee of this GEF. इसमें क्या होता है, जितने भी फंड्स वगैरह हैं तो ये फंड्स को देखती है, and it has created a GEF fund. तो उसका जो ट्रस्टी है, basically World Bank is the trustee of that fund. इसमें बहुत सारी, आप अगर GEF की वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो lot of different international organizations, they are part of the, they are associated with the GEF, जैसे कि FAO, UNDP, है ना, और बाकी World Bank वगैरह भी, IMF, all these organizations are associated some or the other way by the GEF. So GEF is an important organization. In India में इसकी नोडल एजेंसी 2 हैं। देखो, अगर पॉलिटिकल डिसीजन लेना होता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी, ठीक है। और अगर ऑपरेशनल डिसीजन लेना होता है कि हाउ वी विल इम्प्लीमेंट वन पर्टिकुलर प्रोग्राम, देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इज द फोकल पॉइंट। तो अगर जैसे पूछ सकता है कि किससे GEF किससे इंटरेक्ट करता है इंडिया में, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेशन, और अगर पॉलिटिकल कोई पॉइंट डिस्कस करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द फोकल पॉइंट। GEF का एक, जैसे जो एनवायरमेंट में वी आर सीइंग दैट ईयर एंड ईयर अगेन दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दीज इंटरनेशनल बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो वो इंटरनेशनल बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट पे आप एक बार जाइए, है ना, जस्ट गो टू द वेबसाइट वंस, जस्ट स्क्रॉल, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाएगा कि जो आपकी मेमोरी में रहेगा, एंड इट विल हेल्प यू इन दी फाइनल एग्जाम। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा था तो आई फाउंड दिस, देर इज वन इनिशिएटिव, दिस सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द बे ऑफ बंगाल लार्ज मरीन इकोसिस्टम प्रोग्राम। तो ये भी GEF का है ना। इसमें जो बे ऑफ बंगाल में जितना भी एरिया है उसमें सस्टेनेबल फिशिंग, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द इकोसिस्टम, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। and these 8 countries are the partners. उन्होंने GEF के साथ मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है. ठीक है, तो इसमें से म्यांमार और थाईलैंड भी है. अगर आप देखोगे तो ऑल दी अदर कंट्रीज आर सार्क वाली हैं ये सब, लेकिन फिर एशियन वाली कंट्रीज भी हैं. देखो इंडिया बांग्लादेश है, फिर देन इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव्स, एशियन वाली कंट्रीज भी हैं, सार्क वाली कंट्रीज भी हैं. तो दीज 8 कंट्रीज आर देयर. ठीक है, तो इनका काम यह है कि सस्टेनेबल फिशिंग, मरीन इकोसिस्टम को सस्टेनेबल तरीके से कैसे मैनेज करना है. दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस. फिर उसके अलावा इस प्रोग्राम के कुछ कुछ रीजनल पार्टनर्स हैं, कुछ कुछ पार्टनर्स हैं, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज देयर इन दिस प्रोग्राम. ठीक है, तो जैसे बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम है, एक ऐसी मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर, ये IUCN का, ये इंपॉर्टेंट है, ये IUCN की ऑर्गेनाइजेशंस तो सारी इंपॉर्टेंट है. तो मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर है. फिर एक साउथ ईस्ट एशियन फिशरीज डेवलपमेंट सेंटर है. तो आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू दी वेबसाइट ऑफ द GEF एंड आई फाउंड दीज मेनी ऑर्गेनाइजेशंस. तो इसमें से जैसे सिंपल क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर किसका इनिशिएटिव है. इट विल बी वेरी सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन. ठीक है, तो वो IUCN का होगा. आइदर इट कैन बी डायरेक्ट क्वेश्चन और इट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, तो ऐसे जब आप एक बार वेबसाइट को स्क्रॉल करते हो तो यू विल गेट टू नो अबाउट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस. उसके बारे में पूरी डिटेल नहीं पढ़नी है. अगर आप पूरी डिटेल पढ़ने जाओगे तो यू विल स्पेंड अ होल डे जस्ट इन वन वेबसाइट. बट आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस किसकी हैं. The aim is that something stays back in your mind और वो एग्जाम में कहीं ना कहीं हिट कर जाए. ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 चीजें चाहिए. एक तो आपको चाहिए कि आपके पास फैक्ट्स हो, नॉलेज हो. दूसरा, you are able to derive right inferences from the knowledge that you have. तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको नहीं भी पता है exact, even then you can attempt. कोई बता सकता है कैसे? मतलब आपको नहीं पता है, basically आपको नहीं पता है कि how much carbon is stored in where. तो how will you attempt this question? Both are correct. Only one is correct. कोई ऐसा भी बोल रहा है कि 2 is correct. ठीक है, तो इसमें ओनली वन इज करेक्ट. अब देखो सॉइल हैज मोर कार्बन देन, इसका जो फैक्ट्स है मैं बता दूंगा अभी, बट व्हाट इज द लॉजिक. जैसे अगर आपको इवन इफ यू डू नॉट नो कि विच बॉडी हैज मोर कार्बन, तो देन आल्सो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. अब सॉइल और इसने लिविंग प्लांट्स को कंपेयर किया है. तो बायोमास अगर आप देखोगे वेट किसका ज्यादा होगा, सॉइल का वेट ज्यादा होगा कि लिविंग प्लांट्स का वेट ज्यादा होगा? सॉइल का. ऑब्वियसली सॉइल इज द वन व्हिच इज सस्टेनिंग द प्लांट्स, है ना. तो सॉइल बहुत सारी होगी और प्लांट्स बीच में कहीं कहीं होंगे. तो ऑब्वियसली सॉइल कंटेन्स मोर कार्बन देन लिविंग प्लांट्स, ये ट्रू होगा. सॉइल में सॉइल हैज अ लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट अब्सॉर्ब्स दी कार्बन डाइऑक्साइड. और सॉइल के अंदर ऐसे परमाफ्रॉस्ट में अगर आप जाओगे तो परमाफ्रॉस्ट में लॉट ऑफ कार्बन इज स्टोर्ड फॉर टेम्परेरी फॉर परमानेंट पीरियड. ठीक है, ऐसे ओशन कंटेन्स मोर कार्बन देन एटमॉस्फेयर कंटेन्स मोर कार्बन देन ओशन. अच्छा पहले बताओ एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या होती है सबसे ज्यादा, व्हाट इज दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन दी एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन 78%. ठीक है, अगला कौन सा होता है? ऑक्सीजन 21%. कितना हो गया? 99% हो गया. अब बचा 1%, है ना. 1% में तीसरी गैस कौन सी होती है? आर्गन होती है. 0.9% के आसपास आर्गन होती है. तो बचा कितना? 0.1%. अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.034% ऐसा कुछ होता है. हाँ, 0.03%. अब एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है. और ओशन इज वेरी वास्ट. अर्थ का कितना परसेंटेज है जो ओशन से कवर्ड है? 70, मोर देन 70. ठीक है, तो अगर आप सिंपल ऐसी कैलकुलेशन, ऐसे भी कंपैरिजन करो, एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक, और ओशन में ओशन इज मोर देन 70% ऑफ द अर्थ. तो आप इसको एलिमिनेट कर पाओगे इजिली. अ लॉट ऑफ कार्बन इज स्टोर्ड इन द ओशन इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म. और ओशन का यह है कि जितना नीचे जाएंगे आप, द अमाउंट ऑफ कार्बन इज मोर, है ना. ये तो पता है ना, नीचे कार्बन ज्यादा होता है कि ऊपर? नीचे ज्यादा होता है. क्यों? हाँ, एक तो प्रेशर ज्यादा होता है नीचे. कोल्ड ड्रिंक की बोतल बंद रखोगे तो ज्यादा उसमें गैस डिजॉल्व रहेगी कि खोल दोगे तो ज्यादा? बंद में ज्यादा गैस डिजॉल्व होती है. क्यों? क्योंकि वो प्रेशर के अंडर होती है. तो ऐसे ही ओशन में नीचे वाली जो लेयर है दैट इज अंडर द प्रेशर, और उनका टेम्परेचर भी कम है. तो इसलिए ओशन में नीचे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है. ठीक, और ओशन की डेप्थ भी बहुत ज्यादा है, 4 किलोमीटर तो एवरेज डेप्थ है. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ओनली वन इज करेक्ट। क्या ऑक्सीजन बनती कैसे है? ड्यू टू फोटोसिंथेसिस बाय द फाइटोप्लैंक्टन वगैरह। बीओडी अलग चीज है और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। हाँ देखो ऑक्सीजन का क्या है कि देयर इज ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दी डीपर पार्ट ऑफ द ओशन आल्सो, दे आर कंज्यूमिंग ऑक्सीजन, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रही वहां पे। तो प्रोडक्शन सिर्फ तभी होती है जब मिक्सिंग होती है ऑक्सीजन, तो जब व्हेन टॉप लेयर ऑफ द ओशन इज मिक्स्ड विद द बॉटम लेयर तब जाके ऑक्सीजन रिच वाटर्स नीचे पहुंचता है। तो ऑक्सीजन ये वाला रूल फॉलो नहीं करता है। बट अगर आप देखोगे इन जनरल वाटर में गैस को डिसॉल्व करोगे अगर, तो दी अमाउंट ऑफ गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इज मोर एट लोअर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम होगा तो ज्यादा गैस डिसॉल्व हो सकती है। नहीं ज्यादा होना चाहिए तो मतलब मैंने डेटा दिखा सकता हूँ अभी। और नहीं नहीं वो चेंज हो गया, शायद अपडेट हो गया इसका। द आंसर इज ए, ठीक है, इट हैज बीन अपडेटेड। देखो ये फैक्ट है, एटमॉस्फेयर में है कार्बन, ओशन में है और लैंड बायोस्फीयर में, ठीक है। तो ओशन में 93% ऑफ द कार्बन इज स्टोर्ड इन द ओशन, वो डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, और एटमॉस्फेयर में सबसे कम है। ओशन के बाद सेकंड नंबर पे जो आएगी वो सॉइल और ये बायोमास ऑन द लैंड ये सब आता है, एटमॉस्फेयर पे बहुत कम आता है। 0.03% जो आप बोल रहे हो वो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी भी तो देखो, एटमॉस्फेयर कितना रेयर है, ओशन कितना डेंस है, तो वाटर इज मोर डेंस देन। अब तो उसका 0.03% लोगे और इसका अगर 1% या 2% भी लोगे तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो पहले नंबर पे ओशन है, दूसरे पे सॉइल एंड लैंड बायोस्फीयर, और तीसरे पे ये एटमॉस्फेयर। हाँ, नहीं कोई भी आप एटमॉस्फेयर ऑल ओवर अर्थ की बात कर रहे हैं हम, तो 0.03% ही है उसका। तो अगर आप मेजर भी करोगे बेसिकली दी कार्बन डाइऑक्साइड इज द लीस्ट, मतलब जो मिनिमल गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में वो है। हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, तो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग बोलते हैं इसलिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बट दी परसेंटेज इज चेंजिंग, मतलब जो भी हम लोग कर रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर में। दैट इज द रीजन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। बट एज वी सी कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी मिनिस्क्यूल गैस इन दी एटमॉस्फेयर, तो वो इतनी ज्यादा नहीं है उसको कभी भी आप। तो बेसिकली ये है कि आपके पास इसमें बेसिक नॉलेज थी, इन्फॉर्मेशन थी, अब उससे आपने सही इन्फ्रेंस डिराइव किया कि नहीं किया, ठीक है। तो सम क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, you will not know the answer directly but you will have to derive the inference। तो वैसे वाले क्वेश्चन जो है वो आपको सही करने के लिए सही लॉजिक से आप जाओगे तो सही हो जाएगा। राइनो के बारे में, राइनो इज अ न्यूज बहुत ज्यादा, और अभी रिसेंटली एक राइनो का इनिशिएटिव भी साइन हुआ है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। तो राइनो के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दी ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस, ठीक है, तो ये इंडियन राइनोसोरस की बात कर रहा है। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ राइनोसोरस इन दी वर्ल्ड, 5 है। कौन कौन से हैं? एक अफ्रीकन में 2 हैं, ठीक है, एक ब्लैक और एक व्हाइट। हाँ, एक ग्रेट हॉर्न इंडियन वाला और लेसर हॉर्न वाला। हाँ, इंडोनेशिया, जावा, ये जावा और सुमात्रा के 2 हैं, ठीक है। तो अफ्रीका में 2 हैं, व्हाइट और ब्लैक, और फिर एक इंडिया में है, और फिर बाकी एक जावा में है और एक सुमात्रा में है, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ राइनो आर देयर। तो जावा वाला और इंडिया वाला, ठीक है, इनके दोनों के एक हॉर्न होते हैं, वन हॉर्न। इसको याद कर लो, इंडिया में तो वन नेशन वन टैक्स वैसा करके याद कर लो, वन हॉर्न, ठीक है। और जावा वाले में जो लिखा है, जे का मतलब है हॉर्न, समझ लो, इमेजिन। तो जावा वाले में एक हॉर्न है और इंडिया वाले में एक हॉर्न है, बाकी सब में 2 हॉर्न होते हैं। तो इंडियन वाला इज नॉट एंडेंजर्ड, वो वल्नरेबल है, इंडियन वाला वल्नरेबल है, और ये जावा सुमात्रा वाले ये दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब ये इट इज फाउंड ओनली इन द स्टेट ऑफ असम। देखो एक तो ओनली वाले क्वेश्चन जनरली गलत होते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, ये एक रूल है, बट इसके एक्सेप्शन भी मिल जाएंगे, इसी पेपर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ओनली वाले इन जनरल गलत होते हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑल्सो। तो इट इज नॉट फाउंड ओनली इन बंगाल और असम, वो यूपी में भी मिलता है। देयर इज द दुधवा नेशनल पार्क जहां पे उसको शिफ्ट किया गया है। जो विजन 2020 राइनो का, दैट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द असम गवर्नमेंट। ये भी सही है, ये गलत है, दिस इज इनकरेक्ट। तो ए इज द आंसर, ठीक है। तो जब विजन 2020 प्रोग्राम है दैट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द असम गवर्नमेंट, और वो बहुत सारे डिफरेंट पार्टनर्स के साथ ये कर रही है इंप्लीमेंट। द टास्क इज कि असम में 7 डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज हैं फॉर द राइनोज। देयर आर 7 एरियाज इन असम विच आर प्रोटेक्टेड फॉर द राइनोज। तो असम में ये कि काजीरंगा से जो राइनो की पॉपुलेशन को शिफ्ट करना है धीरे धीरे दूसरे एरियाज में, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ यूपी में भी शिफ्ट कर दिया था उसको, दुधवा में, है ना। और यूपी में एक और भी है राइनो के लिए, कटरनीघाट है करके। कटरनीघाट वो यूपी में है, वहां भी राइनो पॉपुलेशन हम लोग अभी शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअली क्या है, इनका काजीरंगा में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई जब से हमने राइनो को कंजर्व करना स्टार्ट किया है ना। सिंस देन द पॉपुलेशन ऑफ राइनो इन काजीरंगा हैज इंक्रीज्ड। तो वहां पे पॉपुलेशन ओवरलोड हो गया है, तो उनका पर्पस है कि डिफरेंट जगह पे रिलोकेट करें ताकि ओवरऑल असम में 3000 के ऊपर राइनो पहुंच सके। अभी 2000 के आसपास है ऑल ओवर इंडिया। विजन 2020 का जो एम है वो है 3000 क्रॉस करना असम में, ठीक है। 1905 में 75 बच गए थे राइनो, उसके बाद अब 2700 के आसपास है 2012 में, और यही नंबर के आसपास मिलेगा अभी आपको। और वल्नरेबल इसको कर दिया था 2008 में, पहले एंडेंजर्ड था, फिर जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो वी हैव क्लासिफाइड इनटू वल्नरेबल। देखो काजीरंगा है असम में, और बाकी ये जितने हैं ये भी असम में है। पोबितोरा, ओरांग, मानस, लखोवा, दिब्रू-साइखोवा और बाराचापोली, ठीक है। तो ये सारे जो है ये असम में है। मैंने बोला था ना असम में 7 है, और ये दोनों जल्दापारा एंड गोमरा ये वेस्ट बंगाल में, और दुधवा और कटरनीघाट ये यूपी में। तो कई बार जैसे यूपीएससी की एक हैबिट है कि वो पूछ लेता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ है या फिर ये कहाँ है, तो ये वाले जो ये सारे राइनो वाले हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा तो आप वहां पे एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, पोबितोरा, ओरांग, मानस, लखोवा, दिब्रू-साइखोवा एंड बाराचपोरी, ठीक है। अभी दुधवा में शिफ्ट करने की न्यूज भी आई थी कुछ टाइम पहले कि दुधवा में हम लोग राइनो को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1984 से स्टार्ट हो गया था इसकी शिफ्टिंग। फिर विजन 2020 जो है वो असम गवर्नमेंट का, जैसे मैंने बताया, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन एक टेक्सास बेस्ड, यूएस की टेक्सास बेस्ड चैरिटी है ना, दैट इज इन्वॉल्व। फिर वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर भी इन्वॉल्व है, ठीक है। और फिर उसके बाद बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल और यूएस फिश एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, मैनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व इन द राइनो विजन 2020। एम इसका वही है, 3000 से ऊपर करना है, 7 प्रोटेक्टेड एरियाज है सामने, है ना। तो ये बहुत सारे मेथड यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द राइनोज, जैसे कि पोचिंग रोकनी है, या फिर इसके हॉर्न्स को ट्रिम कर देते हैं वो लोग ताकि पोचर्स आर नॉट एंटाइज्ड टू किल द राइनो फॉर द हॉर्न्स। तो जो उसके हॉर्न को ट्रिम कर देते हैं तो वो दोबारा उग जाता है ना। राइनो का हॉर्न जो है वो किस चीज से बना होता है, हेयर टाइप से, जो हमारे नेल्स जिस टाइप से, जिस मटेरियल से बने होते हैं, केराटिन, उससे बना होता है राइनो का हॉर्न। तो अगर उसको ट्रिम कर दो तो फिर वो दोबारा उग जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ये राइनो फाउंडेशन यूएस चैरिटी है। तो ये 5 राइनो को कंजर्व करने की बात करती है, वो पांचों के बारे में हमने बात कर ली है, व्हाइट राइनोसोरस और ब्लैक राइनोसोरस अफ्रीका वाले, ठीक है, इंडिया के, जावा के और सुमात्रा के। हाँ, व्हाइट वाला नियर थ्रेटेंड है, नहीं व्हाइट को कोई थ्रेट नहीं है अभी। ब्लैक वाला जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और जावा वाला क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और सुमात्रा वाला, ठीक है। जावा वाले में सिंगल हॉर्न होता है क्योंकि ये जे लिखा है यहाँ पे, और जावा और सुमात्रा दोनों अपोजिट हैं। एक ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर राइनो, एशियन राइनोज हुई थी 2019 में। तो बेसिकली इसका एम था कि वी विल कंजर्व द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस इन जावा, सुमात्रा एंड इंडिया। तो उनकी हम लोग पॉपुलेशन मेजर करेंगे एंड वी विल टेक इनिशिएटिव्स। तो ये मल्टी गवर्नमेंटल इनिशिएटिव है, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, दीज ऑल द कंट्रीज who have joined in this New Delhi Declaration on Asian rhinos. तो इनका ये था कि क्योंकि राइनोज दे डू नॉट नो दी बाउंड्री, तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते रहते हैं. तो दीज ऑल कंट्रीज हैव कम टुगेदर कि वी विल प्रोटेक्ट दी राइनोज इन आवर एरियाज एंड वी विल डू अ सर्वे ऑफ देयर पॉपुलेशन एवरी 4 years. CROCE है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. ऐसे ही जैसे टाइगर सेंसस जब हुआ था तो इस बार इंडिया और नेपाल भूटान इन लोगों ने मिलकर किया था टाइगर सेंसस, क्योंकि these animals they do not know the boundary and they roam from one country to the other. 82 वाला एक तो GEF बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने देखा अभी है ना, बहुत पहले उसकी वो हो गई थी एस्टेब्लिशमेंट एंड वर्ल्ड बैंक एक्ट्स एज ट्रस्टी ऑफ दिस एंड ऑल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर एसोसिएटेड विद द GEF इन वन फॉर्म और द अदर. ठीक है, एक तो GEF का एक स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम है. बेसिकली इट गिव्स स्मॉल ग्रांट्स टू कम्युनिटी पीपल, लोकल कम्युनिटी और जो लोकल पीपल है उनको ग्रांट देती है सो दैट दे कैन डेवलप देयर ओन कैपेसिटी है ना टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. तो ये यूएनडीपी का है. ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992, ये भी सही है. एंड इंडिया में जो है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, दिस इज दी बॉडी विच होस्ट दिस प्रोग्राम. तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, डी इज द आंसर इन दिस. वो उसका ट्रस्टी है, ट्रस्टी मीन जो उसका फंड है उसको वर्ल्ड बैंक देखता है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है. बट अगर आपसे बोले कि GEF वर्ल्ड बैंक ने बनाया था है ना, तो वो ऐसा नहीं है. GEF was created way back. हाँ, तो इसलिए वर्ल्ड बैंक इज अ ट्रस्टी ऑफ द GEF. तो ये स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम भी GEF का है, बट ये यूएनडीपी इंप्लीमेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द GEF. ठीक है, मैंने बताया था सारे ऑर्गेनाइजेशंस GEF का पार्ट है कहीं ना कहीं, तो यूएनडीपी भी एक पार्ट है, कहीं ना कहीं GEF से एसोसिएटेड है. तो दिस यूएनडीपी इंप्लीमेंट्स दिस स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम ऑन बिहाफ ऑफ द GEF और ये लोकल कम्युनिटी को पैसा देते हैं. ठीक है, अप टू $50,000 डायरेक्टली देते हैं लोकल कम्युनिटी को. और ये बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं, जैसे बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट करना, क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करना, मिटिगेट करना, या फिर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल वाटर्स को मेंटेन करना. तो दीज आर डिफरेंट पर्पसेस फॉर विच इट कैन गिव द लोन्स. हाँ, GEF की फंडिंग डोनेशन से आती है, जो भी उसकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है ना, या फिर कंट्रीज भी डोनेट करती है वहां पे. हाँ नहीं, वॉलेंट्री होता है, बाइंडिंग कुछ भी नहीं है इसमें. और इंडिया में जो है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, दिस इज दी बॉडी विच होस्ट्स. इसके साथ बहुत सारे एनजीओ वगैरह भी इन्वॉल्व रहते हैं GEF के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए. ठीक है, क्योंकि GEF लोकल कम्युनिटीज को देता है पैसा, तो लोकल कम्युनिटीज के साथ कुछ कुछ एनजीओ भी जुड़े होते हैं, तो वो भी इनकी हेल्प करते हैं. और सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन ये अवेयरनेस फैलाने में और सही तरीका बताने में हेल्प करता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला क्वेश्चन 83. ठीक है, इसमें देखो सेकंड वाला इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग. बैक्टीरिया में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम तो करता ही है नाइट्रोजन फिक्स, और भी बैक्टीरिया होते हैं नॉन सिम्बायोटिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं है ना, और वो कई बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, कई एनारोबिक होते हैं. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर देयर इन द सॉइल व्हिच फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द सॉइल. तो उसके बाद लेकिन ये वाला ओनली जो है ये एक्सेप्शन है, ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन. ये ट्रू है. इसका भी रीजन है एक कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए दे रिक्वायर अ पर्टिकुलर एंजाइम नाइट्रोजिनेस. ठीक है, तो नाइट्रोजिनेस बनाने के लिए एक जीन चाहिए होता है, तो वो जीन जो है वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है. तो दिस इज द रीजन व्हाई ओनली प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन. यूकैरियोटिक स्पीशीज आर नॉट एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन. उनको अगर यूकैरियोट्स को नाइट्रोजन चाहिए तो दे विल लिव इन सिम्बायोसिस विद द प्रोकैरियोट्स एंड दे विल एब्सॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम दीज स्पीशीज. तो मैंने बताया कि ओनली प्रोकैरियोट्स आर एबल टू फिक्स. तो जो एक नाइट्रोजिनेस एंजाइम है दिस इज डेवलप्ड ओनली इन द प्रोकैरियोट्स बिकॉज उनके पास एक जीन होता है. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन खाली बैक्टीरिया करते हैं, ये भी गलत है. लाइटनिंग वगैरह से भी होता है ना, जब लाइटनिंग होती है तो बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड देन विद द रेन इट कम्स टू द ग्राउंड और वो सॉइल में मिक्स हो जाता है. बट मेजर जो है वो सिर्फ यही करते हैं बैक्टीरिया। नाइट्रोजन में देखो सिम्बायोटिक है और नॉन सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक तो जैसे राइजोबियम है दैट लिव्स इन द रूट नड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स और वो वहां फिक्स करता है ना। फिर नॉन सिम्बायोटिक में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगे दो होते हैं। बैक्टीरिया भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एरोबिक एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो ये सारे बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। एरोबिक वाले जो है वो सारे देखो ए से स्टार्ट है, एजोबैक्टर, एजोमोनास, एजोसिप्रिलियम, ठीक है। एनारोबिक वाले सारे सी से स्टार्ट है, क्लोस्ट्रिडियम, क्लोरोबियम, ठीक है। ये फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं? हाँ, फैकल्टेटिव मीन्स दे कैन बिकम एनारोबिक if the conditions demand, so they have the choice of becoming aerobic or anaerobic depending on the condition. तो facultative anaerobics जैसे बैसिलस और एशरिचिया, ठीक है, ये दोनों होते हैं, ये भी करते हैं नाइट्रोजन फिक्स। तो ठीक है, बैक्टीरिया में तीन टाइप के हो गए, एरोबिक, एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोब्स। और फिर हमारा ब्लू ग्रीन आर्गी है ही, जैसे एनाबीना, ठीक है, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो राइजोबियम के अलावा भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, दे आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन। अच्छा ये बताइए, स्पीशीज इवननेस कैसे नापोगे आप? स्पीशीज इवननेस क्या डिस्क्राइब करती है? हाँ, वो तो स्पीशीज इवननेस नहीं डिफाइन करती, वो तो जेनेटिक डाइवर्सिटी डिफाइन करती है, या स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी। अल्फा बीटा गामा होता है ना, तो वो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। इवननेस क्या होती है? हाँ देखो, डाइवर्सिटी तो मतलब कि ऐसा हो सकता है कि 100 स्पीसीज हो बट वन स्पीसीज इज 100 टाइम्स ग्रेटर इन नंबर देन दी अदर स्पीसीज, और बाकी सारे स्पीसीज के दो लोग हो, ठीक है। तो दैट इज आल्सो जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी हम बोलेंगे कि हाई है। बट इवननेस क्या नापता है कि ऑल द स्पीसीज आर रिलेटिवली इवन इन नंबर, तो वो इवननेस नापता है, स्पीसीज इवननेस। तो बेसिकली इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीसीज एट अ गिवन साइट, कि स्पीसीज है कितनी है वो नहीं नापता, प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। तो अगर आप डाइवर्सिटी देखोगे तो डाइवर्सिटी कैन बी सच आल्सो कि एक स्पीशीज बहुत ज्यादा डोमिनेंट है इन नंबर्स, अदर स्पीशीज आर लेस डोमिनेंट इन नंबर्स, तो दैट इज आल्सो हाई डाइवर्सिटी, बट उसकी इवननेस बहुत कम होगी, ठीक। तो इवननेस मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ द स्पीशीज एट एनी गिवन साइट, ठीक है। एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है दैट मेजर्स द जीन्स विद इन द स्पीशीज, एक स्पीशीज के अंदर कितने टाइप के जीन्स मिलते हैं आपको। फिर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात हम करते हैं, जो कि हम लोग जनरली इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, उसमें भी स्पीसीज रिचनेस होती है एक, कि स्पीसीज मतलब स्पीसीज कितनी ज्यादा स्पीसीज है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसमें अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी आती है। और फिर एक स्पीसीज इवननेस होती है जो कि प्रोपोर्शन नापता है स्पीसीज का, ठीक है। ये अल्फा बीटा गामा पता है आपको, ठीक है। अल्फा तो नापता है डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर रीजन, और बीटा नापता है रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स, and gamma is the overall diversity of the ecosystem in a particular region, ठीक। तो alpha basically नापता है कि how many species are there in one particular region, ठीक है। beta नापता है कि दूसरे region से compare करें, अगर if we compare this particular region with the other region, तो how many unique species we have in this particular region, unique कितनी है, uniqueness, ठीक है। और gamma नापता है कि overall diversity of the ecosystem, जो पूरा ecosystem है, पूरा region से बड़ा जो ecosystem है उसमें कितने ज्यादा species हैं। This is the three things, alpha, beta and gamma, और फिर species evenness, ठीक है। बीटा में confusion होती है generally, but बीटा में होनी चाहिए। Basically वो दूसरे region से compare करता है कि how many unique species are there in two different regions। जैसे कि एक region में अगर A, B, C तीन species है और दूसरे region में C, D, E है, तो C वाले जो है वो common है दोनों में, ठीक है, तो वो वाले को नहीं गिनेंगे बीटा में। समझ में आ रहा है, यूनिकनेस नापता है। ठीक, ये दो रीजन है, यहाँ पे ये तीन स्पीसीज है, तो अगर बीटा बायोडाइवर्सिटी नापेंगे तो वी विल मेजर ए, बी एंड डी, ई, क्योंकि ये यूनिक है, ठीक है। अब इसमें बताइए, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड हमेशा ऊपर आएगा, सीधा रहेगा। इकोलॉजिकल पिरामिड देखो तीन टाइप के होते हैं, एक तो नंबर वाले होते हैं, एक बायोमास वाले होते हैं, एक एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी वाला हमेशा ऊपर आता है बिकॉज एज एनर्जी मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर ट्रॉफिक लेवल इट ऑलवेज डिक्रीजेस, ठीक। जो नंबर वाला होता है वो सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ठीक। बायोमास वाला भी सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। बट ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ऑल दीज थ्रीज आर अपराइट, क्योंकि नंबर ऑफ जो प्रोड्यूसर्स हैं, नंबर अगर देखोगे प्रोड्यूसर्स का, तो प्रोड्यूसर्स जनरली ग्रासेस है ना, तो ग्रासेस का नंबर या स्मॉल प्लांट्स का नंबर हमेशा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दी वन हु इज ईटिंग द ग्रासेस। ऐसी अगर आप बायोमास देखोगे तो भी ग्रासेस का ज्यादा होगा, और अगर आप एनर्जी देखोगे तो हमेशा ही नीचे से ऊपर जाती है एनर्जी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो नंबर वाला जो है वो देखो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सीधा होता है हमेशा, जो प्रोड्यूसर्स आर ग्रासेस एट द लोअर लेवल, फिर उसको इंसेक्ट्स खाते हैं, तो नंबर वाला इज ऑलवेज अपराइट, ठीक। और अगर हम उसमें देखेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम में भी, जहां पे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स और ये सब प्लांट्स होते हैं, देयर आल्सो इट इज अपराइट। बट नंबर वाला उल्टा भी हो सकता है कभी कभी, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम या फिर ट्री इकोसिस्टम, जिसमें एक ही ट्री है, उसके प्राइमरी प्रोड्यूसर इज ओनली वन विच इज द ट्री एंड अ नंबर ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट्स आर देयर विच आर फीडिंग ऑन द ट्री, ठीक है। तो एक ट्री के ऊपर अगर हजारों इंसेक्ट है तो दिस पिरामिड कैन बी इन्वर्टेड, ठीक। और ये स्पिंडल शेप भी हो सकता है प्रोवाइडेड दैट एट द टॉप जो कार्निवोर अगर इनको खा रहे हैं तो उनका नंबर कम है, अगर ऊपर जाएंगे तो देन देयर इंसेक्ट को अगर कोई कार्निवोर खा रहा है तो कार्निवोर विल बी लेसर इन नंबर देन द इंसेक्ट, तो ये इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। ये ट्री इकोसिस्टम में हो सकता है प्रोवाइडेड दी जो टॉप वाला है जो कार्निवोर है ऊपर, उनके नंबर जो है कम होते हैं, ठीक है। अगर सबसे ऊपर कार्निवोर आपका बैठा हुआ है तो फिर ये इन्वर्टेड, ये स्पिंडल शेप हो जाएगा, वरना ये इन्वर्टेड सिंपल इन्वर्टेड रहेगा। ठीक, ऐसे ही ये बायोमास वाला सीधा उल्टा दोनों हो सकता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इट इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज द बायोमास ऑफ द प्रोड्यूसर्स इज मोर। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये उल्टा हो सकता है बिकॉज द प्रोड्यूसर्स आर स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ज़ूप्लैंक्टन्स। तो दीज स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन द एक्वेटिक सिस्टम दे मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट, ठीक है। तो वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं एंड देन दे आर इमीडिएटली ईटन बाय द बिगर फिश। बट वो ये इतनी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं कि देयर नंबर इज ऑलवेज वेरी लार्ज, तो ये रिप्रोड्यूस जल्दी करते हैं बट इनको फिश खाती रहती है, तो बिकॉज फिश कीप्स ऑन ईटिंग दीज स्मॉलर प्रोड्यूसर्स। तो फिश का जो अल्टीमेट अगर आप देखोगे बायोमास, तो वो एट एनी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम the biomass of the fish will be more than the biomass of the phytoplankton, ठीक है। ये समझ में आया, ये इनका बायोमास कम होता है बट दे मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट, देयरफॉर दे आर एबल टू सस्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ फिश व्हिच ईट देम, ठीक है। तो बायोमास वाला हो गया, नंबर वाला हो गया, एनर्जी वाला हमेशा अपराइट रहता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से अगर हम डिवाइड करें कि नंबर वाला अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, बायोमास वाला भी अपराइट हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है, एनर्जी वाला इज ऑलवेज अपराइट। इन्वर्टेड इकोसिस्टम में जो है नंबर वाला इन्वर्टेड हो सकता है ट्री इकोसिस्टम में, ठीक। ये फोटोकेमिकल स्मॉग वाला क्वेश्चन, इसमें फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या होता है? Photochemical, how is the photochemical smog formed? हाँ, volatile organic compound, sunlight होते हैं and nitrogen compounds होते हैं, ठीक है। ओजोन तो बनती है, फिर volatile organic compound, nitrogen oxides and sunlight, ये तीन चीज मिलती है and then ozone and PAN, peroxyethyl nitrates, they are formed, ठीक है। तो वो उनको बोलते हैं smog। तो इसमें सल्फर नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, तो ओनली ए इज करेक्ट, 1, 2, 3। कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो जो हमारी स्मॉग है दो टाइप की होती है, एक तो सल्फर टाइप की स्मॉग होती है, सल्फर स्मॉग, ठीक। तो उसको बोलते हैं लंदन टाइप वाली, तो सल्फर टाइप की स्मॉग होती है। दिस इज क्रिएटेड बाय द बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, तो कोल जब बंद करते हैं तो सल्फर रिलीज होता है। तो कोल बंद करने के टाइम पे सल्फर रिलीज होता है एंड द सल्फर इज क्रिएटिंग दिस स्मॉग इन दिस एटमॉस्फेयर। फिर फोटोकेमिकल स्मॉग जो होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड हाइड्रोकार्बन, ऑल दीज थ्री थिंग्स कंबाइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म दी ओजोन एंड दी ये पेरोक्सीएसाइल नाइट्रेट्स PAN। तो जो फोटोकेमिकल स्मॉग होती है वो लाइट ब्राउन कलर की होती है और जो सल्फर वाली होती है दैट इज नॉट डिफरेंट कलर, वो ब्लैक कलर की रहती है जनरली। और ये रेस्पिरेशन और आई डिजीज, आई इरिटेशन, दीज आर ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ दिस PAN। लॉस एंजल्स में ये इसको देख ही गया था पहले, फर्स्ट टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड इन दिस लॉस एंजल्स। ठीक है, ये तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन वी सी दैट यूपीएससी आस्क्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और आपको जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको एक बार पढ़ के जाना चाहिए कि विच आर द स्पीसीज विच आर एंडेंजर्ड। ठीक है, तो इसमें रीसस मकाक जो है दैट इज नॉट एंडेंजर्ड और उसको बल्कि उसको वर्मिन डिक्लेयर किया गया था अभी हिमाचल प्रदेश में। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मंकी और उसको वर्मिन डिक्लेयर किया गया था इन हिमाचल प्रदेश बिकॉज इट वॉज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज टू द एग्रीकल्चर। हाँ, याद कैसे करना है? अच्छा, इसको एक बार आप लिस्ट को देखिए, ठीक, और हर एक लिस्ट की जो 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 भी कम से कम क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाली लिस्ट देखिए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड ये दोनों लिस्ट को देखिए एंड हर एक एनिमल की एक बार फोटो देख लीजिए कि किस टाइप से दिखता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल घड़ियाल, वो भी इस एंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक, तो एक बार आप फोटो देख लीजिए हर एक एनिमल की, तो फ्रॉम द फोटोग्राफ यू विल बी एबल टू रिमेम्बर कि कौन सा एनिमल कहाँ फिट बैठ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो एरर हो सकता है, देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंडेंजर्ड में से ऊपर नीचे आप कुछ कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको ये होना चाहिए कि दीज आर द एनिमल्स व्हिच आर क्लासिफाइड इन द थ्रेटेंड कैटेगरी। ठीक है, तो वो आपको एक बार लिस्ट देख के फोटो देखनी पड़ेगी हर एनिमल की कि क्या कैसा एनिमल लगता है। ठीक है, तो बस्टर्ड जो है उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला गया है। जनरली वो ग्रासलैंड्स ऑफ राजस्थान और इस एरिया में मिलती है। 90% जो उसकी रेंज है वो खत्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ दी डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रासलैंड। व्हाइट बेल हेलोन को भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला गया है। दिस इज फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड द इंडो भूटान। जो नामधापा फ्लाइंग स्क्विरल है ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इट इज फाउंड इन द नामधापा नेशनल पार्क, है ना, नॉर्थ ईस्ट में। और रिसस मकाक को तो मैंने बताया कि वर्मिन डिक्लेयर किया गया था अभी, तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन हटा दीजिए, तो बाकी ऑल दी थिंग्स आर एंडेंजर्ड। 98 बताइए, कमर्शियलिज्म क्या होता है? व्हेन वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड दी अदर इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल। ठीक, तो अगर हम कोरल एंड एल्गी में देखें तो बोथ द स्पीसीज आर बेनिफिटेड, है ना। कोरल्स गेट दी फूड एंड एल्गी गेट दी होम टू डिजाइड। माइक्रो रिजा एंड प्लांट्स में देखें तो भी बोथ द थिंग्स आर बेनिफिटेड। माइक्रो रिजा क्या होता है? माइक्रो रिजा फंगस, हाँ, तो फंगस ही होता है बेसिकली, दीज आर फंगस, दे लिव इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो दिस इज ऑल्सो अ सिम्बायोटिक एंड म्यूचुअलिस्टिक रिलेशंस। बर्नैकल और व्हेल, ये होता है कमर्शियलिज्म। बर्नैकल्स आर शेल लाइक ऑर्गेनिज्म्स व्हिच ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द व्हेल्स। ठीक है, तो जैसे ही व्हेल्स स्विम करती हैं तो दीज बर्नैकल्स दे फिल्टर द वाटर फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर एंड दे टेक आउट द न्यूट्रिएंट्स एंड दे यूज इट फ्रॉम फॉर देमसेल्व्स। तो वो ग्रो करते हैं व्हेल के ऊपर, बट व्हेल्स आर नॉट अफेक्टेड इन एनी मैनर। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड द कमर्शियलिज्म। और ऐसी राइजोबियम और ये जो लगी हुई है दैट इज आल्सो सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन। तो इनके एग्जांपल आप जैसे याद कर लीजिए, कमर्शियलिज्म जैसे ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन द मैंगो ट्री दैट इज आल्सो कमर्शियलिज्म। ठीक, बर्नैकल ग्रोइंग ऑन व्हेल इज कमर्शियलिज्म। कैटल एग्रीट ऑन कैटल इज कमर्शियलिज्म। जैसे कई बार आप देखा होगा कि कैटल के ऊपर छोटी चिड़िया रहती है एंड इट फीड्स ऑन द इंसेक्ट्स व्हिच आर मूविंग ऑन द कैटल, तो उसको बोलते हैं कैटल एग्रीट। क्लाउनफिश लिविंग अमंग द सी एनिमल्स इज आल्सो कमर्शियलिज्म। तो एक छोटी फिश होती है क्लाउनफिश, है ना, वो सी एनिमल के बीच में रहती है बिकॉज सी एनिमल्स आर पॉइजनस एंड पॉइंटी, तो बाकी ऑर्गेनिजम्स जो वो सी एनिमल से दूर रहते हैं। तो क्लाउनफिश को एक हैबिटेट मिल जाता है, सेफ एनवायरमेंट, और सी एनिमल को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल भी आप याद कर लीजिए जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, जैसे लाइकन्स, माइक्रोहेजा एंड दी वास विच स्प्रेड दी सीड्स ऑफ दी फिग ट्री, ये सब म्यूचुअलिज्म होते हैं। एंड एमेंसलिज्म, जिसमें एक को नुकसान होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऑर्चिड को फायदा है, मैंगो ट्री को कोई फायदा नहीं है। तो ये कमेंसलियम के एग्जांपल हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल। ठीक है, तो दिस वाज ऑल द एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक, अब हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, अब हम ज्योग्राफी वाले स्टार्ट कर देते हैं। ये मैच दी फॉलोइंग वाला है। ठीक है, इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ठीक है, अंसुपा लेक जो है वो ओडिशा में है और चिलिका लेक भी ओडिशा में है, एंड दिस वन इज इन तमिलनाडु। तो ये दोनों गलत है, ओनली टू सेकंड वाला जो है वो ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। अंसुपा लेक महानदी के बैंक पे है, और ये फेमस इसलिए था क्योंकि बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा था यहाँ पे, एंड वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिस चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने दे वर एबल टू रिस्टोर दिस लेक। तो अंसुपा लेक को दे वर एबल टू रिस्टोर, एंड दिस इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। ये भी ओडिशा में। देन एक एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, दिस हैज लेड टू द रिस्टोरेशन ऑफ दिस लेक इन चेन्नई। तो इसलिए ये भी न्यूज में था, जो तीसरा वाला लेक आपसे पूछा गया। ठीक है, तो एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक बेसिकली चेन्नई बेस्ड ग्रुप है, एनजीओ टाइप, एंड इट इज रिस्टोरिंग द लेक्स इन द पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो इसमें ये था कि जब इन्होंने रिस्टोर किया, जब व्हेन दे रिस्टोर्ड द लेक, दे ग्रू अ लॉट ऑफ पाम ट्रीज व्हिच वर अराउंड द लेक, है ना, चारों तरफ पाम ट्री लगाए ताकि सेडिमेंटेशन कम हो एंड द लॉस ऑफ वाटर इज लेस। और उन्होंने ये लगाया वेटिवर ग्रास। When they were restoring the lake, they were planted palm trees and vetiver grass around the lake. तो vetiver grass जैसे उसका बहुत ज़्यादा medicinal use है। आपने सुना है कभी vetiver? ठीक है, vetiver का बहुत ज़्यादा medicinal use है। It is applied on the skin also, allergy दूर करने के लिए। It is also used as an inhaler, insomnia treat करने के लिए, है ना? तो वेटिवर इज यूज इन मल्टीपल ऑफ थिंग्स, जैसे कि स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। तो इट हैज अ लॉट ऑफ मेडिसिनल बेनिफिट्स। तो वेटिवर पूछ सकता है कि वेटिवर इज रिलेटेड टू व्हाट। तो वेटिवर इज अ ग्रास व्हिच हैज अ लॉट ऑफ मेडिसिनल बेनिफिट्स। तो वेटिवर जो ग्रास होती है उसके रूट्स को यूज करते हैं हम लोग फॉर दिस मेडिसिनल बेनिफिट्स। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं उसके। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बताइए, 13th question. We have to arrange these states in descending order of the coastal length. So इसमें सबसे ऊपर कौन सा होगा? सबसे ऊपर आंध्र, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया किसकी है? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र होगा, देन कर्नाटका, देन वेस्ट बंगाल। तो ये इज करेक्ट, है ना? कई लोग बोल रहे थे कि वेस्ट बंगाल कर्नाटका से ऊपर आएगा, ऐसा भी कोई है यहाँ पे कंटेंटर? ठीक है, तो दीज आर दी बेसिकली जो ये डेटा लिया गया है गवर्नमेंट वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है ना? तो उसमें दिस वेबसाइट इज बैक्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इसमें डिस्क्रिपेंसी सिर्फ इसलिए आती है कि जो बंगाल की कोस्ट लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, इंडेंटेड है, बिकॉज ऑफ द रिवर्स विच आर फ्लोइंग। तो अगर आप ऐसे रिवर के अलॉन्ग डेल्टा को नापोगे पूरा, तो यू विल गेट अ हायर अमाउंट ऑफ लेंथ, है ना? अगर आप उसके आसपास जो भी छोटे छोटे आइलैंड है उसको, उसके भी बाउंड्री नाप लोगे, देन यू विल गेट मोर लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन। बट अगर आप डायरेक्ट नापोगे, ठीक है, तो डायरेक्ट में बंगाल जो है वो 157 किलोमीटर ही आता है बस, और जो कर्नाटका है वो 270-280 किलोमीटर के आसपास आती है। ये अगर किसी को भी इसमें कोई डिबेट है तो वो क्या करे कि वो गूगल पे जाए और वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नाप ले गूगल मैप पे, है ना? ये एरिया नापे, दिस इज अ करवर करके एक जगह है यहाँ पे गोवा एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, और यहाँ पे मैंगलोर है। तो इन दोनों का डिस्टेंस नाप ले वो। ऐसे ही बंगाल में यहाँ पे दीघा बीच है और यहाँ पे कोई पॉइंट लेके डिस्टेंस नाप ले। तो दिस कम्स अराउंड टू बी 150-160 किलोमीटर आता है ये, और ये जो आता है ये आपका 270-280 किलोमीटर आता है। हाँ, तो वही है, उसकी वजह से देयर आर सम वेबसाइट्स व्हिच से दैट द कोस्ट लाइन ऑफ बंगाल इज लार्जर, बट वो जब नापते हैं तो दे टेक इनटू अकाउंट द डिफरेंट आइलैंड्स आल्सो। तो वो आइलैंड की बाउंड्री भी नापते हैं, फिर वो जो इंडेंटेड अंदर इंडेंटेड कोस्ट लाइन है उसकी रिवर की भी अलॉन्ग नापते हैं। therefore they get higher larger number for बंगाल कोस्टलाइन. बट अगर आप सीधी कोस्टलाइन नापोगे तो बंगाल की कम है कर्नाटका से. हाँ 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 गुजरात का तो क्योंकि बहुत है ना ये these are not that इसको और इसको वेस्ट बंगाल को कंपेयर नहीं कर सकते आप. वहाँ तो रिवर की वजह से ये तो पूरा गल्फ बन गया है. ठीक है तो ये तो गल्फ है इसको तो नापोगे आप. महाराष्ट्र तमिलनाडु में से देखना पड़ेगा फैक्चुअल है बिल्कुल. बट आई थिंक कि एक बार आप चेक कर लेना. ठीक है आपको कोई भी जो भी लिंक दे रखा है ना वेबसाइट पे तो उस वहां से आपको एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा. इसमें ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था वैसे. अगर आप इसमें शुगर केन एलिमिनेट कर देते. दिस इज आस्किंग दी ड्राई लैंड फार्मिंग रीजन जो कि हार्डी क्रॉप्स उगाते हैं तो उसमें से कौन से क्रॉप को आप एलिमिनेट कर सकते हैं. शुगर केन इज वन क्रॉप विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर. ठीक है तो शुगर केन को हटाइए है ना. ग्वार आल्सो इज वन ऑफ दोस क्रॉप्स विच रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी ग्रोन इन ड्राई लैंड एरियाज. और ग्वार का कहीं यूज आपने पढ़ा है फ्रैकिंग में होता है. ठीक है तो आफ्टर इट्स यूज हैज बीन डिस्कवर्ड इन द फ्रैकिंग उसके बाद इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं. तो द फार्मर्स इन द ड्राई लैंड एरियाज व्हिच वर ग्रोइंग ग्वार आउट ऑफ कंपल्शन नाउ दे आर ग्रोइंग ग्वार आउट ऑफ चॉइस बिकॉज उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो चुका है. ठीक है और बाजरा रागी तो आपको पता ही है दीज आर ड्राईलैंड फार्म्स ड्राईलैंड क्रॉप्स. ठीक है ग्वार के बारे में एक और चीज है कि दिस इज लेग्यूमिनस और ये भी सिम्बायोटिक रिलेशन में रहती है विद द बैक्टीरिया विच लिव इन द रूट. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है. फ्रैकिंग शेल गैस को निकालने के लिए एक टेक्निक होती है. टू रिकवर द शेल गैस फ्रॉम द शेल फॉर्मेशंस इन द रॉक वी यूज द प्रोसेस ऑफ फ्रैकिंग. ग्वार उसमें एडिटिव की तरह यूज करते हैं. व्हेन वी डू फ्रैकिंग तो वी पंप अ लॉट ऑफ वाटर एंड डिफरेंट केमिकल्स अंडर हाई प्रेशर. ठीक है तो वो वाटर जाता है नीचे एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फिशर्स इन दी शेल फॉर्मेशन. तो उसमें ग्वार हम लोग यूज करते हैं एज अ बाइंडर की तरह यूज करते हैं. ठीक है तो ग्वार इज ऑल्सो लेगोमिनस और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. कल्चरल सिग्निफिकेंस तो आई डोंट नॉट नो आई एम नॉट अवेयर. But generally dry land में this is grown. तो dry land की definition एक तो आपकी NCERT में दी गई होगी कि anything which is less than 750 millimeters of rainfall it is called dry land. ठीक है एक अशोक दलवाई कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें ये तीन टाइप से कैटेगराइज किया गया है. एक ड्राई फार्मिंग ड्राई लैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग. ठीक है तो उन्होंने एक अपनी क्लासिफिकेशन दी है जो कि एनसीईआरटी की क्लासिफिकेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है. तो आपको दोनों पता होनी चाहिए है ना. एनसीईआरटी बोलता है कि एनीथिंग विच इज लेस देन 750 मिलीमीटर रेनफॉल उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग. ठीक है इन्होंने कुछ और बोला. इन्होंने बोला कि जो ड्राई फार्मिंग है वो 750 से कम में होगी और अगर 750 से ज्यादा है टिल 1150 तो उसको हम ड्राई लैंड फार्मिंग बोलेंगे. ठीक और फिर 1150 से ऊपर जो भी है वो तो रेनफेड फार्मिंग होती है. ठीक है तो ये इनमें इसमें अंतर ये है कि इन दिस फार्मिंग ड्राई लैंड फार्मिंग जहां पे 750 से ज्यादा रेनफॉल होती है वहां पे दी पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉप लॉस इज लेस क्योंकि वहां पे ग्रोइंग सीजन इज मोर कम 75 से 120 डेज का ग्रोइंग सीजन रहता है एंड दी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर इज लोअर. तो अशोक दलवाई कमेटी ने इनको ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए कैटेगराइज किया है और दूसरे वाले को ड्राई फार्मिंग के लिए. ठीक है ये अगेन वैसा वाला क्वेश्चन था जिसको आप अगर कुछ भी नहीं पता है आपको देन ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि इसमें एक कीवर्ड लगा हुआ है ओनली. ठीक है तमिलनाडु इज दी ओनली स्टेट विच रिसीव रेनफॉल बाय द नॉर्थ ईस्ट. नहीं पूरा कोरोमंडल कोस्ट रिसीव करता है एंड कोरोमंडल कोस्ट कंसिस्ट ऑफ तमिलनाडु और पार्ट्स ऑफ आंध्रा भी रिसीव करते हैं रेनफॉल. ठीक है और पंजाब एंड हरियाणा आर दी ओनली स्टेट टू रिसीव रेनफॉल बाय टेम्परेट साइक्लोन्स. हिमाचल भी रिसीव करता है दिल्ली भी है. ऑल दीज नॉर्थन एरियाज जम्मू एंड कश्मीर में भी स्नोफॉल होती है बहुत सारी जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं. तो दिस यहाँ पे जो ओनली वाला स्टेटमेंट है खाली इससे देख के आप ये चीज दोनों को गलत कर सकते थे. तो डी विल बी द आंसर. ठीक है तो आई जस्ट एज आई सेड कि ओनली वाली चीज ज्यादातर गलत होती है बट देयर इज एन एक्सेप्शन. कभी कभी एक्सेप्शन मिल जाते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ओनली वाली चीज गलत हो सकती है. ठीक है तो ये वही चीज लिखी हुई तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा में और केरला में भी बारिश होती है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून. हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश वगैरह में भी बारिश होती है बिकॉज ऑफ दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. इसमें चंबल जो है, चंबल ओरिजिनेट फ्रॉम दी विंध्यास और बाकी सारे जो है दे ओरिजिनेट फ्रॉम दी अरावली। तो चंबल को हटा दीजिए आप, तो 2, 3, 4 इज द आंसर। इसमें बताइए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर। डायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या होते हैं? डायरेक्ट सोर्स क्या होते हैं बेसिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल दो सोर्स इन विच यू कैन ऑब्जर्व द डायरेक्टली द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। जैसे कि अगर वोल्केनिज्म में व्हेन द मैग्मा कम्स आउट ऑफ द सरफेस यू कैन ऑब्जर्व दैट मैग्मा डायरेक्टली, यू कैन डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन दैट। सो दिस इज द डायरेक्ट सोर्स और बाकी सारे जो है दैट इज द इनडायरेक्ट सोर्स। तो आप 2 को हटा दीजिए, 2 को हटाते हैं, डी इज द आंसर। ठीक है। सीस्मिक एक्टिविटी बेसिकली व्हेन देयर इज द अर्थक्वेक्स, so you study the earthquake waves and then you try to find out कि which area is liquid and which area is solid। ठीक है, जो core of the earth है वो solid है, ये कैसे पता चला? earthquake wave से पता चला। ठीक है, तो earthquake wave is indirect। meteors indirect, क्यों? meteors से, हाँ, जब meteors आते हैं then their outer layer is burnt because of the friction from the atmosphere, तो उनका core बचता है। तो हम उस कोर को स्टडी करके हमारे कोर के बारे में कुछ इन्फरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द इनडायरेक्ट। ग्रेविटेशन वेव्स, ग्रेविटेशन जो है बेसिकली द ग्रेविटेशन ऑन द अर्थ वो डिपेंड करती है कि कितना मास है नीचे। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा मास है वहां पे ग्रेविटेशन की फोर्स थोड़ी ज्यादा होगी और जहां कम है थोड़ा वहां कम होगी। तो अर्थ पे भी देयर इज डिफरेंसेस इन द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो नाप के वी कैन आइडेंटिफाई कि विच एरियाज हैव हायर मास, विच एरियाज हैव लोअर मास, कहां पे डेंसिटी ज्यादा है, कहां पे डेंसिटी कम है। तो दिस इज आल्सो एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बाकी मैग्नेटिक फील्ड तो है ही आपका इनडायरेक्ट सोर्स। मैग्नेटिक फील्ड से आपको पता होता है कि कोर में जो है आयरन मटेरियल्स आर चर्निंग। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये हो गया। डायरेक्ट तो एक तो ड्रिलिंग हो गया, डायरेक्टली आप ड्रिलिंग कर लो ओशन में, या फिर वोल्केनिक इरप्शंस है तो आप लावा को स्टडी कर लो। ठीक है, इनडायरेक्ट हो गया कि सीस्मिक वेव्स हैं या ग्रेविटी की एनोमली है। ग्रेविटी एनोमली मींस कहां पे ग्रेविटी कम ज्यादा हो रही है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर लो या मीटियोराइट्स को स्टडी कर लो। देन माइनिंग से भी आपको डायरेक्ट एविडेंस मिलते हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज। बेसिकली माइनिंग से क्या होता है कि आप जैसे नीचे जाते हो तो आपको लगता है कि टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तो वहां पे भी यू कैन आइडेंटिफाई कि भाई इनडायरेक्ट तरीके से यू कैन टेल अबाउट कि व्हाट इज द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। नहीं, माइनिंग भी इनडायरेक्ट में आती है क्योंकि हम लोग इतना डीप में कभी माइन कर नहीं पाते हैं। ड्रिलिंग जब हम करते हैं तो हम बहुत डीप में कर सकते हैं, माइनिंग जब हम करते हैं तो इतना डीप में हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो बेसिकली लेकिन हमको ये आइडिया लग जाता है कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उससे उसको फिर एक्स्ट्रापोलेट करके वी कैन टेल कि कोर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। हाँ, तो कोर में देखो, कोर में चार्ज पार्टिकल्स आर देयर एंड आउटर कोर इज मोल्टन, तो आउटर कोर इज चर्निंग एट अ वेरी फास्ट रेट, तो उसकी चर्निंग की वजह से द चार्ज पार्टिकल्स आर आल्सो मूविंग अलोंग विद इट, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो बाय स्टडीइंग दैट मैग्नेटिक फील्ड यू कैन टेल समथिंग अबाउट द कोर एंड द आउटर कोर, तो ये उसका कनेक्शन है। पॉपुलेशन पिरामिड, जिसका बर्थ रेट ज्यादा होगा, कंट्री विद हाई बर्थ रेट और डेथ रेट भी ज्यादा होगा, तो उसका पॉपुलेशन पिरामिड नीचे से ब्रॉड होगा। पॉपुलेशन पिरामिड क्या नापता है कि दी नंबर ऑफ पीपल एट वन पर्टिकुलर एज, तो अगर बर्थ रेट ज्यादा है तो नीचे का बेस ज्यादा ब्रॉड होगा, और अगर डेथ रेट ज्यादा है तो ऊपर का जो टिप है वो नैरो होगी। तो ये वाला गलत है। नहीं तो ऐसा नहीं होगा ना कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं सभी मर जाएंगे, तो पैदा तो हो रहे हैं एक टाइम पे, बट उसके बाद धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सम विल डाई। सो अल्टीमेटली जैसे जैसे वी विल गो हायर अप इन द पिरामिड, तो आपकी पॉपुलेशन जल्दी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। हाँ, नॉट ऑब्वियसली नॉट ऑल द चिल्ड्रन विल डाई एट द मोमेंट दे आर बोर्न, अगर बर्थ रेट भी हाई है तो सम इट विल टेक टाइम। और सेकंड वाला भी इसमें जो ऑप्शन है, इन द सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। लो बर्थ रेट वाला जो है दैट इज ब्रॉड एट द बेस, ये तो हो नहीं सकता, अगर लो बर्थ रेट लो है तो बेस उसका कम होगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पिरामिड वी सी। अब इसमें देखो पिरामिड ऐसा चेंज होता है अगर बर्थ रेट बढ़ेगा तो पिरामिड विल बिकम ब्रॉडर एंड द बेस, जैसे कि इंडोनेशिया का देखो, फिर ब्राजील का नीचे कम हो गया है, पाकिस्तान का बर्थ रेट ज्यादा है तो उसका और ब्रॉड हो गया है, नाइजीरिया का और ब्रॉड हो गया है। तो दिस इज द वे द पॉपुलेशन पिरामिड चेंजेस। एक्स एक्सिस में है आपके जो नंबर ऑफ पीपल है और वाई एक्सिस पे आपकी एज है। ये उनका स्केल होगा ना, उन्होंने स्केल ऐसा करा होगा कि वेरिएशन कितना है, या फिर दे आर मेजरिंग समथिंग कि पॉपुलेशन का कितने परसेंटेज लोग इस बेसिस में, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज इन दिस ग्रुप 0 to 4, हाउ मेनी परसेंटेज इज इन दिस ग्रुप, ऐसे ही होना आप रहे हैं। ठीक है। पर जो पन्ना माइंस है दे आर इन द विंध्यास, तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। और पन्ना माइंस न्यूज में थी बिकॉज एक तो दीज आर दी ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग माइंस इन द कंट्री, ठीक है, और दूसरा कि वहां पे इलीगल माइनिंग बहुत होती है, तो वहां पे गोंड ट्राइबल्स हैं जिनको कई बार एक्सप्लॉयटेशन करके दे आर डूइंग द माइनिंग एक्टिविटीज ऑफ द डायमंड। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी इज द बॉडी विच ऑपरेट्स दिस माइंस इन पन्ना, है ना। उसके अलावा ये लीज पे दे देते हैं कुछ माइंस, छोटी छोटी माइंस जो है वो लीज पे देते हैं टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि प्राइवेट पर्सन आके माइनिंग करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि पन्ना में सिर्फ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड माइंस अलाउड है, तो ऐसा नहीं है। एंड जो एनएमडीसी है दैट ऑपरेट्स द मैकेनाइज्ड डायमंड माइंस, और जो छोटी वाली माइंस हैं उनको लीज पे देते हैं टू द प्राइवेट पर्संस, ठीक है। तो वहां पे ये गोंड ट्राइबल्स का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था एंड दे आर फोर्स्ड टू वर्क इन दिस एरिया फॉर माइनिंग ऑफ द डायमंड्स, ठीक है। तो ये जैसे अगर आप मैप में देखोगे तो दीज आर द विंध्यास, और जिनके नॉर्दर्न साइड पे यहाँ पे पन्ना है थोड़ा, and these are the different possible diamond mines in India. Operational अभी सिर्फ पन्ना ही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत मतलब आपको नहीं भी पता है कुछ भी, ठीक है, तो even then you can attempt this question. इसमें पूछा है कि which of the states do not have a tiger reserve designated under the project tiger? कौन सा लग रहा है, कौन सा eliminate हो सकता है? Divide पूछ रहा है, जहां नहीं है। हरियाणा में नहीं होगा, देखो हरियाणा में फॉरेस्ट ही नहीं बचे हैं, तो फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व क्या होगा? हरियाणा में एवरीथिंग इज फॉरेस्ट, खत्म है ऑलमोस्ट, और सारा एग्रीकल्चर में है। तो अगर आप हरियाणा एलिमिनेट कर दो तो आपके पास सिर्फ ये बचते हैं, ठीक है। पंजाब में भी कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है, तो ओनली पंजाब एंड दिस हरियाणा, यही दो है। वन एंड हिमाचल में भी नहीं है, तो 1, 2 and 3 दीज आर द 3 स्टेट्स विच डू नॉट हैव एनी टाइगर रिजर्व्स। हिमाचल में नहीं, उत्तराखंड में तो है, कॉर्बेट है हमारा। हाँ, तो इसमें हम यही तो बताया हमने, 1 to 4 ही तो है आंसर ए, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। देखो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा में, हिमाचल में, जम्मू एंड कश्मीर में भी कोई नहीं है, ठीक है। उसके अलावा गुजरात में भी कोई भी नहीं है। गुजरात में लायन वाला है बट टाइगर वाला नहीं है, ठीक। बिहार में ये है वाल्मीकि, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भी देखो, नागालैंड में कोई नहीं है, मणिपुर में कोई नहीं है। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ थिंग्स यू शुड आइडेंटिफाई। अगर आप ऐसा मैप देखते हो टाइगर रिजर्व्स का, तो दीज आर द थिंग्स यू शुड आइडेंटिफाई कि कहाँ पे नहीं है और कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे है, ठीक। आंध्रा में तो है। सी दिस वाज द मैप व्हिच वाज गिवन इन दी नेक्स्ट आई इज मैगजीन, ठीक है। तो उसमें हमने सारे स्टेट वाइज क्लासिफाई किए थे कि विच ऑल दी स्टेट्स हैव हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। तो इसमें देखो गुजरात में और ऊपर वाले 4 स्टेट्स में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ठीक। तो वैसे वाले क्वेश्चन जो है आप बिना इंफॉर्मेशन के भी सॉल्व कर सकते हो, सब जगह नहीं है। असम, अरुणाचल प्रदेश और इधर है मिजोरम में, बाकी नागालैंड में नहीं है, मणिपुर में नहीं है, त्रिपुरा में नहीं है। इसमें 60 वाला सारी चीजें हैं। जेट स्ट्रीम कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है, ऑनसेट ऑफ द मॉनसून को भी इंपैक्ट करती है जेट स्ट्रीम, है ना। वेन दी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जब वो हिमालय के ऊपर चली जाती है, when the time when the westerly jet stream crosses the Himalayas, only then onset of the monsoon is done. ठीक है, एक सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, ठीक, जो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है ना, एंड ड्यूरिंग द विंटर्स वो नीचे की साइड होती है, समर के टाइम पे इट शिफ्ट्स अबव द हिमालयस, ठीक, ये पता है कि नहीं? एक एक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो करती है इधर, ठीक है, तो ड्यूरिंग दी समर सीजन वो ऊपर चली जाती है बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द आईटीसीजेड. तो उसके दो ब्रांचेस होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला. द वन ब्रांच विच गोज बिलो द हिमालयस और सेकंड वन विच गोज अबव द हिमालयस. तो ऑनसेट ऑफ द मानसून इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट व्हेन द सेकंड ब्रांच, जो ये वाली ब्रांच है, ये भी ऊपर चली जाए तभी मानसून आता है. बिकॉज इसकी जो सेकंड वाली ब्रांच है उसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होता है एंड दिस हाई प्रेशर रिपेल्स द मानसून विंड्स. जब तक ये ऊपर नहीं जाती है सेकंड वाली ब्रांच, तब तक मानसून का ऑनसेट नहीं होता है. ठीक, तो दिस इज द रोल ऑफ द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट इन द ऑनसेट ऑफ द मानसून. और विंटर के टाइम तो ये नीचे ही रहती है बिकॉज आईटीसीजेड इज एट द लोअर साइड. ठीक, ईस्टर्ली का भी रोल होता है. ईस्टर्ली जेट्स इज क्रिएटेड आउट ऑफ दिस तिब्बतन प्लेट्यू because during the summer easterly jet bhi hota hai na ek, theek hai, so because in the summer the temperature of the Tibetan plateau it increases, so temperature increase hota hai, to uski wajah se air rises and then it's at the upper level of the troposphere it gets deflected. to uska ek limb jo hai wo easterly jet stream banata hai, theek hai, to wo jaise agar maan lo yahan se air rise kari and then it will flow in this way, theek hai, to ye jo easterly jet hai it pushes the depressions which are here in the Bay of Bengal towards India. वो इसको खींचती है इधर इंडिया की साइड. तो therefore this is also responsible for pulling these depressions into India. तो easterly jet भी इस टाइप से responsible होती है. And then finally जब easterly jet गिरती है near the Mascarene highs of Africa, तो वहाँ पे high pressure create करती है, है ना? अगर ये अफ्रीका है आपका, तो Easterly jets falls near the Mascarene high of Africa, और वहाँ पे high pressure जब create होता है, then it drives the southwest monsoon. ठीक है, तो jet stream का बहुत ज़्यादा role है in the Indian monsoon. ठीक है, ये westerly jet तो आपने समझ लिया कि until and unless it goes above the Himalaya तब तक onset नहीं होगा. Easterly jet जो है, एक तो depressions को into India push करती है यहाँ पे, दूसरा जब ये यहाँ fall होती है near this Mascarene high, तो ये southwest monsoon को और ज़्यादा force देती है पीछे से. और विंटर रेनफॉल तो आपको पता ही है ना, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं, दीज आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स व्हिच आर कैरिड बाय द वेस्टर्ली जेट टुवर्ड्स इंडिया. ठीक है, तो विंटर रेनफॉल में भी जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा रोल है. ये पता है ना वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम वाला, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कैसे काम करते हैं. ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें आप कैसे चूज करोगे? समर्स कोर्स से 2 एलिमिनेट हो गए. ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट इज समर्स्ड, ईस्टर्न कोस्ट इज इमर्स्ड. ठीक, इंडिया का तो अब ये पहला बोल रहा है समर्स कोस्ट है, तो इससे 2 आपके ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए, पुलिकट एंड पॉइंट कैलमरी. दीज आर दी 2 कोस्ट विच आर ऑन द ईस्टर्न साइड, तो दीज आर एलिमिनेटेड क्योंकि समर्स कोस्ट की बात कर रहा है और वेस्टर्न वाला कोस्ट जो है वही समर्स्ड है. ठीक, तो ये 2 बचे ए और सी, इसमें से आपको चूज करना है, वेमनाड एंड अष्टमुड़ी. और रामसर साइट जब बोला तो पुलिकट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया बिकॉज पुलिकट इज नॉट अ रामसर साइट. पुलिकट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक बट वो रामसर साइट नहीं है अभी भी. ठीक, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. और ए और सी में से चूज करना है, तो सी इज द राइट आंसर. अष्टमुड़ी इसका राइट आंसर है बिकॉज जो ये रिवर है कलादा रिवर, यहाँ से फाइनल हो गया आपका. कलादा रिवर फ्लोज इनटू द अष्टमुड़ी. वेमनाड में कौन सी रिवर फ्लो करती है? बहुत सारी करती है, पेरियार उसमें से एक है. ठीक, तो कलादा रिवर से आपका जो आंसर जो है फाइनल हो गया. तो बेसिकली 2 आपने एलिमिनेट कर दिए बाय दिस समर्ज्ड कोस्ट. उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचे, तो यू आर एटलीस्ट 50% ऑफ द आंसर यू हैव गेस्ड. नहीं, fresh water nahi hai, it is the longest brackish water lake in India. तो वहाँ पे पेरियार रिवर भी फ्लो करती है एंड सी वाटर इज ऑल्सो मिक्स्ड. तो लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बनाड. वहाँ पे बोट रेस वगैरह होती है. सो दीज आर दी रामसर साइट्स इन इंडिया. इसमें केरला में 3 है. देखो वेम्बनाड, अष्टमुड़ी और सष्टमकोटा. दीज आर ऑल 3 इन द केरला. ठीक, उसके बाद देखो पुलिकट नहीं है यहाँ पे, यहाँ है पुलिकट. बाकी सारे जो पॉइंट कैलेमरी है एंड कोलेरू, चिरिका, ऑल दीज ऑन दी ईस्टर्न साइड्स. तो वेम्बनाड में बहुत सारी रिवर्स आती है. इसमें से पेरियार एंड पम्बा, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स. और अष्टमुड़ी में कालादा रिवर आती है, जो मुनरो आइलैंड है. मुनरो आइलैंड अष्टमुड़ी में है. ठीक है, वेम्बनाड के पास ये वेलिंगटन आइलैंड, ये सब है. कोची का पोर्ट एंड वेलिंगटन आइलैंड, दीज आर नियर दी वेम्बनाड. एंड अष्टमुड़ी में देखोगे तो आप मुनरो आइलैंड मिलेगा आपको. हाँ, सष्टमकोटा, वेम्बनाड, सष्टमकोटा एंड अष्टमुड़ी. पम्बा, ठीक है. ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल आ रहे हैं. ठीक, तो इसमें अगर आपको थोड़ा आइडिया है, ओनली देन यू शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अदरवाइज यू शुड लीव इट. क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, इसमें ऑप्शंस क्लोज है. अगर आप मैप पे देखोगे तो ये दिस इज ऑल्सो क्लोज, बट इसका करेक्ट आंसर ए है. ठीक है, तो यूपीएससी इज आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो वी हैव आल्सो आस्क्ड. बट अगर आपको थोड़ा आइडिया है, ओनली देन यू शुड अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. वरना इसको, ये वाले क्वेश्चन आप कंफर्टेबली आप छोड़ सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो. इसमें आपका मैप बेस्ड नॉलेज हेल्प करेगी कि हाउ मच आर यू अवेयर अबाउट दी लोकेशंस इन इंडिया. जैसे कि इसमें जयपुर और इंदौर जो है वो सेम लॉन्गिट्यूड पे है, और बाकी आप देखोगे तो कोई भी ऑप्शन उसमें फिट नहीं हो रहा है. एटी फोर में किसी को डाउट है? क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे सर कि ये 1 वाला सही नहीं है. बर्नल इक्विनॉक्स एंड ये उसमें होते हैं, ऑटम एंड स्प्रिंग में. स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, बर्नल बोलते हैं उसको. ठीक है, तो इक्विनॉक्स आर द पोजीशंस व्हेन द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नाइदर टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन नॉर टुवर्ड्स द सन. ठीक, इसका मतलब समझ में आया? जैसे अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है, तो व्हेन द एक्सिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, जैसे वहां पे, तो देन इट इज समर. एंड व्हेन इट इज टिल्टेड अवे यहाँ पे, तो इट इज विंटर. इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, और ये पॉइंट, इसमें ऐसा होता है कि एक्सिस इज नाइदर टिल्टेड अवे नॉर टुवर्ड्स, क्योंकि एक्सिस हमेशा ऐसे रहती है हमेशा, और ये ऐसे रोटेट कर रही है. ठीक है, ये समझ में आया कुछ? तो इसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट पे नाइदर टिल्टेड अवे नॉर टिल्टेड अवे टुवर्ड्स द सन, सो इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं. तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज सेम. इक्विनॉक्स तभी उसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे डे और नाइट की जो लेंथ है वो सेम होती है. ठीक है, जैसे कि ये वाले 2 पोजीशन है, दीज आर दी इक्विनॉक्स. तो इसको जो मार्च वाला होता है उसको वर्नल बोलते हैं, दूसरे को ऑटोमनल. तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल. और यहाँ पे क्या होता है कि समर में डे इज लॉन्गर, और यहाँ विंटर जब होती है तो डे इज शॉर्टर इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम लोग. टिल्टेड मतलब कि जैसे एक्सेस अगर ऐसी है तो वो ऐसे रोटेट करेगी, एक्सेस हमेशा ऐसे रहेगी. तो जब इस पॉइंट पे आएगा, सन यहाँ है, तो एक्सिस इज नाइदर टिल्टेड अवे टुवर्ड्स नाइदर अवे. ठीक है, सन पे है. और जब इधर आएगी और सन यहाँ पे है, तो इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन ना. तो एक्सिस हमेशा ऐसे रहती है उसकी जब रोटेट करती है. तो जो इक्विनॉक्स है वो स्प्रिंग और ऑटम में आते हैं, और जो सोलस्टिस होते हैं वो समर और विंटर में आते हैं. इट इज फिक्स्ड मतलब, लेकिन टुवर्ड्स और सन नहीं है, मतलब टुवर्ड्स द सन नहीं है, अवे फ्रॉम द सन नहीं है, है ना. इट इज पैरेलल टू दिस, मतलब जो ऐसा है, जो सन यहाँ पे है, तो इट इज नाइदर टुवर्ड्स नॉर अवे. वर्नर बोलते हैं इसको, मार्च वाले को. स्प्रिंग वाला भी बोलते हैं इसको, ऑटम वाले इसको बोलते हैं. इसमें गलत आपको पता करना है. तो व्हेनेवर यू आर रीडिंग द क्वेश्चन इन द एक्चुअल एग्जाम आल्सो, you should underline and cross-check these words कि not कहाँ लिखा है ना, जो keyword है वहाँ पे कई बार we miss the keywords and then we are not able to solve the answer. तो इसमें अगर आप देखो तो this is the wrong answer. Intense summer month में नहीं आते हैं, जो western disturbances हैं वो winter के time ज़्यादा आते हैं. Summer में आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं. अगर आप देखोगे तो intense summer month में there is very less और सबसे ज़्यादा आते हैं winter के time पे. तो this is the wrong. बाकी तीनों ठीक है. Originate Mediterranean के पास करते हैं ये लोग. They are carried towards India by the westerly jet stream. और when before arrival temperature increase होता है इंडिया में. ऐसा क्यों होता है? देखो इसके दो रीजन है. जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है तो that is a cyclone. Cyclone है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. तो एंटी क्लॉकवाइज जब घूमता है तो when it is just before the arrival, जब यहाँ पे है मान लो WD3 को देखो. तो before the arrival जो air है that is pulling the air from the oceans towards the plains. तो वो गर्म air को खींचता है यहाँ पे, ठीक है. और after the arrival क्या होता है? जब वो चला जाता है तो WD4 को देखो, तो वो ऊपर से cold air खींच रहा है यहाँ पे and it is bringing the cold air towards the plains. तो this is the reason कि जब before the arrival temperature rise होता है थोड़ा, after the arrival temperature fall होता है. ये समझ में आ गया ना? हाँ, ठीक है. WD3 और 4 को देखो बस. तो थ्रीज वाला जो है that is before the arrival. Before the arrival में when cyclone is rotating in this anti-clockwise manner, so it is pulling the air from the ocean and toward from the warmer side towards the plain. तो therefore air जो है वो गर्म हो गया यहाँ पे. तो इसलिए temperature rises. When it crosses, तो after the arrival WD4 को देखो, तो ये वाले area में क्या कहाँ से air आ रही है? ऊपर से आ रही है. तो ऊपर वाली air जो है हिमालय से आएगी या फिर ट्रांस हिमालय से आएगी. तो that is colder. ठीक है. तो ये रीजन है. और दूसरा ये है कि जब भी साइक्लोन आते हैं तो they bring with them the clouds. तो क्लाउड जब आते हैं तो क्लाउड की वजह से the radiation losses from the earth that is reduced. Cloud act as an insulator. तो वो भी एक रीजन है that temperature increases just before the arrival of the western disturbance. नहीं यहाँ से भी खींचता है कई बार, यहाँ से कई बार इधर से भी खींच लेता है गल्फ से, ठीक है. तो मेडिटेरेनियन सी तो लाते ही मेजॉरिटी मॉइस्चर, बट इन बिटवीन आल्सो जहां जहां भी सी बॉडीज होंगी वहां से भी इट कैन पिक अप द मॉइस्चर. नहीं, विंटर के टाइम पे इंटेंस होता है इसका. विंटर इंटेंस दिस अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक के बीच में सबसे ज्यादा मैक्सिमम साइक्लोन्स आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाले. नहीं, अक्टूबर टू अप्रैल मतलब अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. तो ये दिस इज द पीक टाइम ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. सो ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द पीक इज देयर. टेम्परेचर वाला दोबारा रिपीट करूं, टेम्परेचर वाला देखो WD3 में व्हेन इट इज रोटेटिंग इन दिस मैनर, सो इट इज यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे कौन सी एयर आ रही है? यहाँ पे नीचे से एयर आ रही है ना ऊपर, तो नीचे वाली एयर जो गर्म होगी. तो इसलिए यहाँ पे बिफोर द अराइवल जो है वो पूरी एयर ऐसे रोटेट करने जाती है इस डायरेक्शन में. तो बिफोर द अराइवल वो गर्म हवा आती है यहाँ पे. आफ्टर द अराइवल जो यहाँ देखो, फिर आफ्टर द अराइवल WD4 को, तो वो ऊपर से एयर को खींच के नीचे लाएगा. दिस इज द रीजन. और दूसरा क्लाउड वाला रीजन. ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है. दिस इज बेसिक क्वेश्चन जो कि आप सॉइल में पढ़ सकते हो. इसमें से कुछ एलिमिनेट हो जाएगा. पहले तो ह्यूमस वाला देखो. ह्यूमस तो कहीं भी नहीं होता है, ब्लैक में थोड़ा होता है, बट इट इज नोवेयर इन कंपैरिजन टू दी पीटी सॉइल. सबसे ज्यादा ह्यूमस जो है पीटी सॉइल में होता है. सलाइन में तो ह्यूमस होता ही नहीं है, रेड और येलो में भी नहीं होता है, ठीक है. तो आपका सिर्फ पहले ही की टर्म से, ह्यूमस वाले टर्म से ही यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो ब्लैक सॉइल जनरली आर नॉट फाउंड इन हाई रेनफॉल एरियाज. जो भी डेकन में मिलती है, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द डेकन एरिया, तो वहां पे रेनफॉल थोड़ी कम होती है. PT soil is found in areas where the rainfall is very high and it has a lot of organic content. तो उसकी वजह से PT soil acidic होती है nature. Saline soil is found in that area where evaporation is more than the precipitation. तो उसकी वजह से क्या होता है कि the salts which are there beneath the soil, जो नीचे वाले salt हैं, वो capillary action के through ऊपर आ जाते हैं. हाँ, हाँ, arid and semi-arid areas में, when जहाँ evaporation ज़्यादा होती है, तो capillary action से the salts from beneath the soil they are transferred to the surface, so therefore this soil become saline. तो ये saline soil होती है because of the capillary action. तो obviously यहाँ पे ये high rainfall वाले area में तो नहीं मिलेंगे आपको, ऐसी रेड और येलो सॉइल इज बिकॉज ऑफ द लीचिंग. ठीक है, तो इसमें पीटी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला जो है सी. इसको आप ह्यूमस वाले से भी कर सकते थे क्योंकि सबसे ज्यादा ह्यूमस कंटेंट इसमें सिर्फ पीटी में ही है.